तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम थोड़ा जुड़िए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और कर लीजिए इस बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट जो कि आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर अग्निवीर या फिर ज्वाइन इंडियन आर्मी की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी की ओर से नर्सिंग असिस्टेंट के आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इससे संबंधित दोस्तों मैं आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ, फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या करना है, सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर हम आपको रीड आउट करा चुके हैं, फॉर्म भर के बता चुके हैं। यदि नहीं देखा है तो आपने हमारा ये वाला वीडियो आप इसको चेकआउट करिए कि ज्वाइन इंडियन का आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। अग्निवीर अग्निपथ रैली की ओर से टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के दोस्तों यहाँ पर 12वीं पास आउट कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। यदि नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए। आज हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन है बहुत सारे कैंडिडेट के लिए, कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपका ये परमानेंट भर्ती है या फिर आपकी ये 4 साल वाली है। तो इससे संबंधित दोस्तों यहाँ पर हम आपको सारी जानकारी बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं। तो ये जो आपकी भर्ती रहेगी वो ज्वाइन इंडियन आर्मी अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आपकी भर्ती रहेगी, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट रैली भर्ती का ये नोटिफिकेशन है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपकी फॉर्म भरने की डेटों की। तो दोस्तों यहाँ पर ऑल इंडिया में सभी जगह भरे जा रहे हैं, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कब से कब तक किस किस जगह के भरे जा रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 1 अक्टूबर 2022 से 30 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर लखनऊ की, तो लखनऊ का दोस्तों यहाँ पर अलग से 4/10 से 2/11 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर रहेंगे तो फीस कोई भी नहीं लगती है आपको, चाहे SC ST OBC किसी भी कैंडिडेट हो, कोई भी फीस नहीं लगती है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट एंड नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट रिक्रूटमेंट कैंडिडेट मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। आप जिस भी जिले से अप्लाई करना चाहते हैं उस जिले का आपके पास लोकल का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उस जिले का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाईबल होंगे। बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, 10/2/12 क्लास पास आउट होना चाहिए आपको साइंस सब्जेक्ट के साथ, जिसमें दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी एंड मैथ दोस्तों यहाँ पर एजा सब्जेक्ट में आपकी यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपका सीधी सी बात है, आपका यहाँ पर बायो साइंस हो इंग्लिश के साथ तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 50% यहाँ पर मार्क्स होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में आपकी यहाँ पर 40 मार्क्स होना जरूरी रहेगा। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर बाकी में, तो यदि आप 10/2 इंटरमीडिएट पास है, साथ ही केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी है इंग्लिश है, मिनिमम 55% है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 साल से दोस्तों यहां पर 25 साल एज लिमिट दी गई है। एज लिमिट भी दोस्तों यहां पर क्राइटेरिया दिया गया है 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2005 के बीच में आपको यहाँ पर दिया गया है डेट का क्राइटेरिया, इसके बीच में ही दोस्तों यहाँ पर आपका जन्म होना चाहिए। बात करेंगे आपके ZRO कौन कौन सी में फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो लखनऊ की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपके लखनऊ के 15/11/2022 को एडमिट कार्ड आ जाएंगे, रैली की डेट रहेगी 10 से 24 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यदि आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहें तो इसको आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर, ये आपका भर्ती है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सभी जिलों की, लखनऊ आपका यहाँ पर आएगा ZRO या फिर ARO। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हेडक्वार्टर में बात करेंगे हम गुड़गांव फरीदाबाद मेवात पालीवाल और इसके बाद हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ के सभी जिले की भर्ती जो रहेगी वो आपका ZRO रहेगा आपका अंबाला। 9 से 13 दिसंबर के बीच में आपकी भर्ती रहेगी, 12/11/2022 को यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। बात करेंगे बिहार झारखंड डिस्ट्रिक्ट की, तो दानापुर आपका यहाँ पर रहेगा आपका ZRO और शेड्यूल यहाँ पर दोस्तों अभी नहीं आया है, 15/11 आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड आ जाएंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 21/22 नवंबर को आपका यहाँ पर दौड़ रहेगी, 3 नवंबर के बाद से यहाँ पर एडमिट कार्ड आना आपके शुरू हो जाएंगे। क्लिक या नोटिफिकेशन पे हम यहाँ पर चेक करेंगे, सभी के दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन एक से रहेंगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सभी जिले ZRO आपका जबलपुर जयपुर रहेगा,
20 से 31 जनवरी को आप यहाँ पर दौड़ रहेगी। 20 नवंबर के बाद यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, पालीवार, हरियाणा के सभी जिले की दोस्तों यहाँ पर 12 से 26 के तक रहेगी। इसका IRO दिल्ली रहेगा। 12/11/2022 को यहाँ पर एडमिट कार्ड आ जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कर्नाटका, केरला और यहाँ पर आपका UT के जो भी आपके यूनाइटेड ट्रेड वाले जो आपके हैं लक्षद्वीप, उसका ZRO आपका रहेगा बेंगलोर। 15 से 30 नवंबर के बीच यहाँ पर दौड़ रहेगी। 2 नवंबर के बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूनाइटेड टेरिटरी में पांडुचेरी है, यहाँ पर कैरिकल है, यमन है, पांडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आइसलैंड है, नॉर्थ के हैं, बाकी दोस्तों यहाँ पर आपके सभी जिले रहेंगे। इसके बाद 22 से 26 नवंबर में रहेगी। 3 नवंबर के बाद एडमिट कार्ड आ जाएंगे। चेन्नई यहाँ पर ZRO रहेगा। बात करेंगे तो अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, लुधियाना, मोगा प्रिंस, SAS सागर, मोहाली, होशियारपुर है, बाकी भी दोस्तों यहाँ पर जलंधर और आपके पंजाब साइड की ये आपके जिले मिलेंगे, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपके सभी जिले दिए गए हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आपके पंजाब साइड की, तो 1/5/2001 से लेके 5 दिसंबर तक आपकी भर्ती रहेगी। 5/11/2022 को यहाँ पर एडमिट कार्ड आ जाएंगे। बात करेंगे बाकी में, तो बाकी में दोस्तों यहाँ पर वेस्ट बंगाल कोलकाता है, 20 से 24 जनवरी में रहेगा। 25 दिसंबर को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। यहाँ पर आपका बाकी गुजरात है, गोवा है, दमनदीप है, दादरा नगर हवेली है, जो रहेगा 5 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में। 5 नवंबर के बाद एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आसाम का यहाँ पर 19 से 26 जनवरी के बीच में रहेगा, 15 दिसंबर आ जाएंगे। बात करेंगे दोस्तों नोटिफिकेशन की, तो सभी जगह के दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन एक से ही रहेंगे। 11 नवंबर से 22 नवंबर, 21 और 22, 2 नवंबर मतलब 2 डेटों पे आपका रहेगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर रायपुर छत्तीसगढ़ का भी यहाँ पर आपका इंक्लूड है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों इंक्लूड है। बात करेंगे आपकी बाकी जानकारी की, तो यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 3 नवंबर से 10 नवंबर के बीच यहाँ पर रिवेरीफाई हो जाएगा, आपकी जो भर्ती रहेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 22 नवंबर 21 नवंबर में आपकी रहेगी एज रिलैक्सेशन, यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस रहती है मिलने के, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बाकी नॉर्मल नोटिफिकेशन में आया आपको बता दिया है। हाइट, चेस्ट, वेट की बात कर लेते हैं, 17.5 से 25 साल एज लिमिट होना चाहिए, 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2005 के बीच होना चाहिए। हाइट 167 सेंटीमीटर हो, 50.2 किलो वजन हो, बायो से आपको 50% हो, प्लस यहाँ पर आपके हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो डिपेंडेबल ऑफ आर्मी कैंडिडेट है, उनके ही परिवार के कैंडिडेट को मिलता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आपके फिजिकल की, स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपका होता है वो है आपका 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में। पुशअप जो लगाना है आपको वो लगाना है 10 लगाएंगे तो 40 मार्क्स, 9 लगाएंगे तो 33 मार्क्स, 8 लगाएंगे तो 27, 7 में 21 और 6 में 16 रहेगा। 9 फीट का डिच रहेगा, जिगजैग आपका वैलेंस रहेगा, ये आपको केवल क्वालिफाइंग रहेंगे। फिजिकल मेजरमेंट आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहेगा, मेडिकल टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट थ्रो होगा, कॉमन एंट्रेंस CEE की ओर से, तो ये भी आपको कंडक्ट कराना पड़ेगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में बात करेंगे, तो पहले आपकी दौड़ रहेगी, फिर इसके बाद रिटर्न रहेगा, मेडिकल आपका यहाँ पर होगा। इसके बाद दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो उससे स्टेट से संबंधित आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 12वीं की मार्क्स रहेगी। यहाँ पर बाकी भी जानकारी दोस्तों यहाँ पर हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे। परमानेंट भर्ती रहेगी दोस्तों यहाँ पर आपकी अग्निवीर से संबंधित, तो इसमें यहाँ से कुछ नहीं दिया गया है, आपको बोनस मार्क्स दिए गए हैं। यदि आपके पास स्पोर्ट कोटा है, खिलाड़ी कोटा है, NCC सर्टिफिकेट है, तो आपको 5, 10, 15 इस तरीके से आपको यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बाकी भी जानकारी दी गई है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो मेन इंपोर्टेंट जानकारी रहेगी वो हम आपको यहाँ पर बाकी में रीड आउट करा देते हैं। रीड आउट में दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करके मैंने आपको दिखाई दिया है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी भी जानकारी है, और बाकी जो जानकारी रहेगी एफिडेविट है, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये सब आपके पहले जैसे ही रहेगी जो आपके अग्निवीर में लगे हैं, तो ये हम आपको बताएंगे लास्ट में जब आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएंगे, या फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन या फिर आपके भर्ती से संबंधित जानकारी आएगी। तो ये पूरा नोटिफिकेशन रहा दोस्तों यहाँ पर फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन कोई डाउट होता है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि ये भर्ती अभी चालू नहीं हुई, तो भर्ती दोस्तों यहाँ पर चालू हो चुकी है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।